जनपद में रात्रि कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि शासन के द्वारा रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका कड़ाई से जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू में उद्यमियों को ID कार्ड दिखाकर आने जाने की छूट दी गई है तथा पुलिस वाले भी अपना ID कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, रात 10 बजे तक अपना सभी काम समाप्त कर ले, जिससे 11 बजे तक सभी लोग अपने घरों में पहुंच सकें। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं के लिए छूट दी गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, सभी लोग ध्यान दें, आज से रात्रि में कोविड प्रोटोकॉल के तहत नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोई भी रात्रि में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं निकलेगा। केवल वही लोग निकलेंगे जिनको पास जारी है, जैसे कोविड व्यवस्था में लगे हुए लोग, पुलिस के लोग और रात्रि में उद्योग के लोग, जिनके पास पास जारी रहेगा वही रात्रि में निकलेंगे। आज से पूरे गोरखपुर शहर में, उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है कोविड प्रोटोकॉल के तहत। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की घोषणा की जा रही है। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। केवल पुलिस के लोग, कोविड व्यवस्था में लगे हुए लोग और रात्रि उद्योग में लगे हुए लोग ID के आधार पर ही घर से बाहर निकलेंगे। सभी से आग्रह है कि गोरखपुर पुलिस का सहयोग करें और मास्क का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ नहीं पता, मैं इनका चालान कर दे रहा हूँ मोटरसाइकिल। अरे सर, जानबूझ के लापरवाही कर रहा है। अरे नहीं, ऐसी गलती नहीं होगी भैया। अरे 12 बज रहा महाराज, पर्ची और पेपर ऊपर नहीं देखते, तेल भरवाने जा रहे हैं, बताइए इस समय। अरे वो गाड़ी का काम है, वो गाड़ी चलवा रहे थे। अरे वो काम नहीं भैया, ताली कर्फ्यू में कौन ताली चाहिए पता है ना, 11 बजे सुबह लॉकडाउन है, कर्फ्यू है। रात्रि कर्फ्यू का किस तरह पालन कराया जाए? देखिए, रात्रि कर्फ्यू जो है 11 से 5 लगाया गया, इसमें सिर्फ जो दुकानें सब बंद रहेंगी, लेकिन इसमें जो उद्यमी लोग हैं उन लोगों को अलाउ किया गया। तो सिर्फ वो पुलिस वाले जिनके पास ID कार्ड है और जो उद्योग में काम करते हैं अपने ID कार्ड के साथ ही निकल पाएंगे। बाकी सबसे मेरी अपील यही रहेगी कि 10 बजे तक अपने सारे कार्य समाप्त करके अपने घरों की तरफ चले जाएं, ताकि 11 बजे तक अपने अपने घरों में लोग पहुंच जाएं। देखिए, आवश्यक सेवाएं तो सब खुली रहेंगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। पहले भी जब रात्रि कर्फ्यू लगी है, आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक टोक नहीं।